के जनपद महाराजगंज नगर निकाय चुनाव में तृतीय चरण का चुनाव आज संपन्न हुआ, जिसमें 63% जनपद की पोलिंग रही। सभी बूथों पर प्रशासन मुस्तैदी के साथ मौजूद रहा तथा आज ठंड के साथ सुबह हुआ और धीरे धीरे मतदान स्थल पर मतदाता पहुंचे। सुबह महिलाओं की भीड़ तो कम ही रही, पर जैसे ही सूर्य उदय की प्रकाश भूमि पर पहुंची और नम पड़ी जमीन खिलखिलाती धूप की आगोश में पहुंचा, वैसे ही महिला व वृद्ध मतदाता अपने घरों से निकलकर बूथ स्थल की ओर आते दिखने लगे और सुबह जो मत धीरे धीरे पड़ रहा था वह अचानक ही एकाएक गति पकड़ लिया और झूम कर मतदाता अपने मतों का लोकतांत्रिक रूप से प्रयोग करने में लगे रहे। धीरे धीरे मतदाताओं की रुझान बढ़ा और मत चुनाव आयोग के आदेशानुसार दिए गए समय शाम 5 बजे तक पड़ा। वहीं लगातार बूथों की निगरानी और समस्याओं से निपटने के लिए आरओ तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट करते रहे, जिसको शांतिप्रिय समय और लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न कराया गया। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के अंतिम चरण का रण आज शुरू हो गया है, जिसमें हम आपको बता दें कि नगर पंचायत निचलौल का वार्ड संख्या 2 है, जहां पे बूथ संख्या 3 और बूथ संख्या 4 के यहां पर मतदाता खड़े हैं। भारी संख्या में लोग मत करने के लिए एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर जो प्रशासन है काफ़ी मुस्तैद है, चुस्त दुरुस्त दिख रही है, व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव तीसरा चरण आज होने जा रहा है। हम महाराजगंज जिले निचलौल नगर में हैं। हमारे पीछे बूथ नंबर 5 और 6 हैं। वोटरों में काफ़ी उत्साह है और आज का मतदान बूथ नंबर 5 और 6 पे हम हैं। मतदान काफ़ी कुशल सकुशल संपूर्ण हो रहा है, शासन प्रशासन का सहयोग भी है और चुस्ती दुरुस्ती देखी जा रही है। सर, प्रशासन जो है काफ़ी चुस्त दुरुस्त दिख रही है, वोटरों में उत्साह भी दिख रहा है और आपने पूरे क्षेत्र का भ्रमण भी किया, तो सर सैटेलाइट न्यूज चैनल को कुछ बताना चाहेंगे? मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही है 19 बूथों पर हमारे, और कोई वातावरण एकदम ठीक है और कोई इस तरह की बात नहीं है कि शांति भंग या कोई इस तरह का आशंका उत्पन्न हो। हमारे सभी पुलिस जोनल मजिस्ट्रेट लोग और सेक्टर मजिस्ट्रेट लोग, हमारे जोनल पुलिस ऑफिसर हमारे साथ लगे हुए हैं। सर, आप बता सकते हैं कितने प्रतिशत मत पड़ा पूरा भ्रमण? अभी जो है 7.5 से 9.5 के बीच लगभग 14% पड़े।